ईरानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। समंदर की मचलती लहरें, सूरज की चमक और शांति सी शिला है, जहां जाकर सुकून का एहसास हो, वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में स्थित है। इस शिला पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। अब पीएम मोदी भी यहां मेडिटेशन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान के समापन के साथ ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे का ध्यान करेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी में एक स्मारक है, जो समंदर के तट से लगभग 500 मीटर दूर स्थित दो चट्टानों में से एक पर स्थित है। सुकून देने वाली समंदर की हवाएं और नाचती लहरों के बीच ये चट्टान बेहद खूबसूरत और रहस्यमय है। यह भारत की महान संत स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस भूमि की आध्यात्मिक प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाया। बता दें कि इससे पहले भी पीएम मोदी ध्यान रत्न हो चुके हैं। कब कब ध्यान में लीन हुए पीएम मोदी? 2014 में शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ में लगाया ध्यान, 2019 में केदारनाथ मंदिर के पास गुफा में ध्यान लगाया और 2024 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में समंदर के बीच उभरी इस शिला का महत्व वही था जो गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का था। वही अब यहाँ शिला इन दिनों पीएम मोदी के आगमन की वजह से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेमोरियल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विजिटर्स के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। चाक चौबंद की गई है सुरक्षा व्यवस्था। पीएम मोदी के आध्यात्मिक प्रवास को लेकर पुख्ता इंतजाम। सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात। किसी भी आम टूरिस्ट को वहां जाने की अनुमति नहीं। कहा जाता है कि रॉक मेमोरियल पर ही ध्यानरत रहते स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था और यहीं पर विवेकानंद ने भारत माता की परिकल्पना की। कन्याकुमारी में समंदर की अतल गहराइयों से उभरी इस शिला का महत्व ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि पौराणिक भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भी इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े रहकर भगवान शिव के लिए उपासना की थी। देवी पार्वती शिव के लिए यहीं पर प्रतीक्षारत रही। खास बात यह है कि यहाँ की भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं भी मिलती हैं। ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु भी है। ये स्थान अब पर्यटन का भी केंद्र है। बड़ी तादाद में सैलानी विवेकानंद मेमोरियल आते हैं।